मुझे इन दोनों में से ये वाला जो फ्लेवर है ना फ्रेंच वनीला ये बहुत अच्छा लगा है और ये इट्स ओके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए कुछ यूनिक एंड डिफरेंट एंड दैट इज सो ये है पिलर्स बाय हल्दीराम। तो मेरे पास इसके दो फ्लेवर्स हैं फ्रेंच वनीला और चोको ब्लॉक। तो चलो अभी करते हैं इसको ट्राई, फिर मैं बताती हूँ आपको ये कैसे हैं। मैं ये पैकेट खोल रही हूँ, आप मुझे बताना कमेंट करके क्या आपने इसको ट्राई किया है और आपको ये कैसे लगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम फ्रेंच वनीला ट्राई करेंगे एंड देन चॉकलेट वाला। लुक एट द पैक, काफी अच्छी पैकिंग है। इसमें से वनीला की अरोमा आ रही है बहुत अच्छी सी। और अभी ना इसमें पिलो के शेप में कुछ वेफर्स के टाइप है। वाओ जस्ट लुक एट दिस, कितना क्यूट है ये छोटू सा, और ये पिलो के जैसा ही दिख रहा है। चलो करते हैं इसको टेस्ट। एज इट इज जैसा फोटो पे बना है ना वैसा ही है। इसमें अच्छे हैं ये, काफी यमी है, वनीला का अच्छा फ्लेवर आया है प्लस विथ है। सो ये बेसिकली क्या है कि एक पिलो की शेप में वेफर है, उसके अंदर वनीला क्रीम को भरा हुआ है, नथिंग एल्स। बट ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत टेस्टी भी है। सो अभी इसकी टर्न, इसको करते हैं अनरैप एंड देन टेस्ट। तो ये है चॉकलेट फ्लेवर, और जिस चीज में चॉकलेट डल जाती है वो तो ऑटोमेटिकली इतनी डिलीशियस हो जाती है। It smells like a coffee and chocolate. इसमें look at this pillow. ये थोड़ा brown color का है, वो थोड़ा white color का था। चलो अभी करते हैं इसको taste. मैं wafer में just chocolate को डाल के ऐसे इसको wrap कर दिया and nothing else. अच्छा है। मुझे इन दोनों में से ये वाला जो flavor है ना French vanilla, ये बहुत अच्छा लगा है और ये it's okay. ये चलो आप ये वाला फ्लेवर काफी अच्छा है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप सबसे पहले ये फ्रेंच वनीला ट्राई करना, और अगर आपने ये पहले से ट्राई किया है तो फिर भी मुझे आप जरूर बताना कि आपको ये कैसे लगे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।